तौफीक दे कि इस पर कुछ होमवर्क आप कर सकें। खुदा ने जो जमानतें दी हैं उस पर सिर्फ अल्लामा इकबाल के तीन शेर बोलकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। उठी जमानतों के एतबार से मैं चिल्ला कर आज कह रहा खुदा और रसूल की कहीं भी पेशन गोई की बुनियाद पर ईमानी अकीदे के हवाले से मैं ये आज की बात कह रहा हूं। इतनी कुव्वत से आज बात कर रहा और बात ही अल्लामा इकबाल ने अपनी जबान में कह दी कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे तमा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना ना वो निशाना। हम सोचते हैं हम मिट जाएंगे, अरे तू मिट जाएगा और तू ना मिट जाएगा ईमान के मिट जाने से कि नशे को ताल्लुक को ताल्लुक है पैमाने से कोई ताल्लुक नहीं। वो तो जो उसके अंदर होता है उससे नशा होता है, पैमाने से कोई ताल्लुक नहीं। तो तू ना मिट जाएगा ईमान के मिट जाए, मैं मिट गया कोई हल नहीं है, ये उम्मत जिंदा रहनी चाहिए, मेरा खातिमा बिलखैर हो जाए मुझे इसकी फिक्र, ये उम्मत अजीमतों के साथ चले उसकी तरक्की हो इस मामले में। मैं कह रहा था कि अल्लामा इकबाल ने जो बात कही थी कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा दुश्मन दौरे दबा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, और बातिल से दबने वाले आसमानी। आप बोलिए, हर साल हम हर साल हालात को भुगतते हैं, बदर से लेकर फलस्तीन गजा तक भुगत रहे हैं, बदर की शहादतों से लेकर गजा के ऊपर जेल तक भुगत रहे हैं, बातिल से दबने वाले है आसमान ही हम सौ बार कर चुका है तो इस हवाले से अपने आप को पढ़ कीजिए, अपने आप का तारुफ हासिल कीजिए, खुद को दरियाफ्त कीजिए कि मैं क्या हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, और ये याद अगर हो जाए तो यकीन मानिए उम्मत का भी बेड़ा पे पार होगा और आपकी कामयाबी भी हो जाएगी।